हरे कृष्णा। लोग कहते हैं कि हम नहीं चाहते कुछ गलत काम करना, पर फिर भी गलत काम हो जाता है। हम नहीं चाहते कि भाई हम किसी को कुछ गलत बोलें, पर बातों बातों में पता नहीं हम क्यों गलत बोल देते हैं और झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, सिचुएशन बिगड़ जाती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कार्य करें, पर हम गलत कार्य कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, पहले मन में विचार आता है, फिर उस विचार पे आप मनन करते हैं, और मनन करने के बाद वो एक्शन में परिवर्तित हो जाता है। तो एक्शन तभी होता है जब मन में विचार आता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि विचार को वहीं पे दबा दो, उसको मनन में कन्वर्ट मत करो। अगर वो गंदा विचार, वो नेगेटिव विचार मनन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो एक्शन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले विचार को मनन में कन्वर्ट मत होने दो, और विचार जब कन्वर्ट नहीं होगा मनन में, तो एक्शन भी नहीं होगा, गलत काम भी नहीं होगा। इसीलिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। विचार आने से पहले भी विचार करो कि क्या विचार करना है। समझे आप? विचार से पहले भी विचार करो कि क्या विचार करना है, ये सबसे जरूरी है। अगर वो विचार आपने कर लिया, तो फिर आप गलत काम नहीं करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके जीवन का रिमोट किसके हाथ में है? अपने दोस्तों के हाथ में है, अपने रिश्तेदारों के हाथ में है, इन लोगों के हाथ में है, शराब के हाथ में है, सिगरेट के हाथ में है, ड्रग्स के हाथ में है, किसके हाथ में है? जब तक आपके जीवन का रिमोट इन सब के हाथ में रहेगा, इन सब वस्तुओं के, इन सब लोगों के हाथ में रहेगा, तब तक आप इस जीवन में भटकते ही रहोगे। अगर आपको इस जीवन में सुखी होना है, अगर आपको इस जीवन में सफलता चाहिए, अगर आपको इस जीवन में आनंद प्राप्त करना है, तो आपको अपने जीवन का रिमोट भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देना पड़ेगा। भगवान, क्योंकि जब उस रिमोट को दबाएंगे तो उसमें हमारा हित होगा, और अगर ये सब या ये वस्तुएं ये रिमोट दबाएगी, तो उसके अंदर हमारा हित नहीं होगा। तो आपसे विनती है, अपने जीवन को भगवान के अनुसार चलाइए, लोगों के अनुसार मत चलाइए, अपने मन के अनुसार मत चलाइए, अपने मन को अपना रिमोट मत दीजिए, भगवान को अपना रिमोट दीजिए। भगवान को रिमोट देने का मतलब क्या है? भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है, उसको, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए। रिमोट क्या करता है? चलाता है ना, तो उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए।